साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष अपने फर्स्ट लुक सामने आने के दिन से ही विवादों में घिरी हुई है। सिनेमा जगत को तानाजी जैसे बेहतरीन फिल्म देने वाले ओम राउत के निर्देशक में बनी मेगा बजट फिल्म से लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन इस फिल्म का टीजर दर्शकों को जरा भी रास नहीं आया था। फिल्म में भगवान राम से लेकर हनुमान तक सभी के लुक पर जमकर विवाद हुआ था, लेकिन रावण को खिल्ली जैसा भेष में देख सभी काफ़ी नाराज हुए थे। जहां काफ़ी समय बाद आदि पुरुष को लेकर विवाद का अंत हुआ था, वहीं अब फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वह फिल्म एक बार फिर चर्चे में आ गई। दरअसल जब आदि पुरुष को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड को ओम राउत निर्देशित आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। फिल्म के इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को की जाएगी। यह आदेश कुलदीप तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया गया है। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लिए बिना आदि पुरुष का प्रोमो जारी किया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही याचिका में अभिनेत्री कृति सेनन द्वारा देवी सीता की भूमिका के लिए पहने गए परिधानों पर भी आपत्ति जताई गई है। आदि पुरुष के खिलाफ की गई इस याचिका में यह भी कहा गया है कि लोगों की भगवान राम और देवी सीता में गहरी आस्था है, लेकिन फिल्म में उन्हें लोगों की आस्था के खिलाफ दिखाया गया है। इसके साथ ही रावण के दृश्य को भी लेकर आपत्ति जताई गई है। फिल्म में भगवान की भूमिका निभा रहे अभिनेता प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, देवदत्त नागे और सनी सिंह जैसे कलाकारों को भी प्रतिवादी बताया गया है। इसके अलावा फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक ओम राउत भी याचिका में प्रतिवादी थे। दशहरा के मौके पर अयोध्या में रिलीज हुई इस टीजर के बाद फिल्म को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस प्रदर्शन पर सीधा असर फिल्म के रिलीज पर पड़ा है। आदि पुरुष को लेकर होते विवाद के कारण मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।